आज हम मिलके बनाएंगे डिनर। डिनर में बना रहे हैं हम लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल धोकर चढ़ा दी है मैंने, उसमें दो बड़े टमाटर लंबे लंबे काट कर डाल दिए हैं। उसी तरह प्याज भी आधा एक मैंने डाल दिया है और दो हरी मिर्च, और उसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी। लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा तीखा वो खाते नहीं है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। उसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया, उस पर मैंने पानी रख दिया क्योंकि जब दाल बॉईल हो जाएगी तो उसमें पानी जब ऐड कर रहा होगा तो इसी गर्म पानी को हम ऐड करेंगे तो उससे दाल का टेस्ट ख़राब नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्जी। सब्जी के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म कर ली, उसमें तेल भी गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने लहसुन यानी कि गार्लिक को कट करके डाल दिया। उसके बाद प्याज डाल दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से दाल को चेक कर रही हूँ। दाल में जो पानी कम पड़ रहा था तो मैंने वही गर्म पानी ऐड कर दिया और मैंने फिर से उस ढक्कन में पानी को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर को डाल दिया है। टमाटर अच्छे से गलने के लिए मैंने यहाँ पर नमक को ऐड कर दिया है, और फिर उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद मैंने हल्दी भी मिक्स कर दी थी। हल्दी थोड़ी सी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ बैंगन मैंने पहले कट नहीं किया। जब मसाला यहाँ पे अच्छे से भून रहा था उस वक्त मैंने बैंगन को कट करके पानी में डाला, क्योंकि अगर बैंगन पहले से कट करेंगे तो बैंगन काले हो जाते हैं। यहाँ पे मसाला अच्छे से पक गया है, सॉफ्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने बैंगन को वॉश करके अच्छे से उसमें ऐड कर लिया। उसको अच्छे से मिक्स करके मैं ढक्कन लगा के स्लो पे पकने दूँगी। वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको और किस तरह के वीडियोस देखना पसंद आएंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे दो रोटियाँ बना ली है क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैं फास्ट के दिन उपवास के दिन नमक नहीं लेती हूँ, नमक वाला खाना नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली एक कटोरी और दो रोटियाँ ले ली। इसके साथ मैंने अपना फास्ट खोला, उपवास खोला। इस खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से राइस भी चढ़ा दिया है ताकि सब लोग टाइम पर खाना खा ले, बाकी के लोग भी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है रोटी बनाने के लिए। मैं एक साथ में दो टाइम के लिए आटा गूंद देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल होता है तो तभी जल्दी होती है, तो मॉर्निंग में भी ये आटा काम आ जाता है उनकी टिफिन के बनाने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं सब्जी को भी चेक कर रही हूँ, दाल को भी चेक कर रही हूँ, चावल को भी। ऑलमोस्ट सब्जी पक गई थी और दाल भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दाल को साइड पे रख दिया। दाल का तड़का बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। दाल में, लाल मसूर की दाल में हम तड़का देते हैं राई का और कड़ी पत्ते का। आप किसका तड़का देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है, दाल रेडी हो गई थी। इसके बाद में चावल भी बन गए थे। उसके बाद में मैंने रोटी बना ली फटाफट और खाना सबको दे दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।